आ गया। मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ बाबू, महारानी लगता है गेट के आगे कोई कोढ़ी बैठा है और पानी मांग रहा है। हाँ स्वामी जी, वो लगते हैं कि पानी मांग रहे हैं स्वामी जी। क्या कोढ़ी, तुम्हें पानी चाहिए? महुआ बाबू, महुआ। महुआ क्या होता है? दारू बाबू, दारू। दारू? हाँ भगवान, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे शरीर में खून और कील से लथपथ है और ऊपर से तुम दारू मांग रहे हैं। आ बाबू दारू। ये सब चीज पीजिएगा, मरने का दो दिन में मर जाइएगा एक दिन में भाई। फिर क्या पीऊंगा बाबू? कहता है फिर क्या पीऊंगा? अरे दारू के बदले तुम दूध खाओ। आओ बाबू, सब कुछ के नाम लो, दूध के नाम ना लो बाबू। क्या दूध खाने से कोई तकलीफ होता है क्या? आओ बाबू दूध खाचिए ना, पेट खराब हो जाए, लैट्रिन पतला हुआ लगे छे बाबू। ओ तो इसका मतलब है कि तुम्हारा लीवर कमजोर हो गया। हाँ बाबू दारू। देखो कोड़ी, अगर दूध खाने से तुम्हारा लैट्रिन पतला होता है तो आजकल तो चौक चौराहे पर बहुत सस्ता हो गया, सेब संतरा ये सब खाओ। सेब? हाँ आ गया। आ बाबू पंडित परान जाते हो क्यों? आ बाबू सब कुछ के नाम ले, सेब के नाम ले ले बाबू। क्या सेब खाने से भी हानि होता है? आ बाबू सेब खा छिए ना, मन हदमद करे लागे छे, पेटो से खोक बित्ता के जो गिरे लागे छे बाबू। बताइए सेब खाने से इसको पेट में चाली हो जाता है। दारू बाबू, दारू पीने से बाबू आठ दिन मकई खेत न जा छिए। अच्छा कोढ़ी, तो तुम यह बता सकते हो खाना में क्या सब खाते हो? बासी भात, कलाई के दाल खाए के मन करे छे बाबू। बताइए सब्जी में? बाबू बैगन के भरता, कदीमा की सब्जी। बिल्कुल विटामिन चीज बता रहा है। देखो कोड़ी, ये सब चीज मत खाओ, ये सब चीज खाइएगा बहुत जल्द मर जाइएगा। फिर बाबू फिर कहता है, हमारे देश के बड़े बड़े डॉक्टर लोग बतलाते हैं ऐसे ऐसे रोगी के लिए सबसे उत्तम दायक करेला का सब्जी होता है। दादी करे बता है के नाम ला करेला सब्जी बाबू। क्या करेला खाने से क्या तकलीफ होता है? हाँ बाबू करेला सब्जी खा छे ना, हमरा पैसा रुकी जा छे। दारू पीने से? बाबू दारू पिए छे तो हमरा मूड फ्रेश हो जाए छे। तब तो तुम्हें दारू का ही आवश्यकता है। बाबू दीजिए नियत के पैग, बाबू पिल्लू काटे छे, दारू पीवे ना हमरा मूड फ्रेश तब काटो करे छे, कोई दिक्कत ना। और दारू पीने के बाद पिल्लू भी काटता है तो तुमको कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं बाबू। अच्छा तो वहाँ से चलकर मेरे पास आ सकते हो? दारू है बाबू। हाँ दारू है तुम्हारे लिए, पैक लगा हुआ है बिल्कुल पटियाला। ठीक है बाबू, पटियाला पैक दीजिए, अक्के पैक बाबू, मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है जाओ, एक पैक दीजिए बाबू। कोढ़ी, हाँ बाबू, मैं दारू पिलाने से पहले कुछ सवाल तुमसे करूंगा। सवाल? हाँ इंक्वायरी से। क्या सवाल करने के लिए चाहते हो? अगर तुम सही सही जवाब दे दिया हाँ तो मैं तुम्हें न सवार दारू पिलाऊंगा यार। दो पैक मिलेगा ना? दो पैक छोड़कर तीन पैक मिलेगा। ठीक है बाबू, वो कौन सा सवाल है बाबू? दारू के लिए मैं सवाल का जवाब दे सकते हैं बाबू? क्यों नहीं, मैं तुमसे यही पूछने के लिए चाहता हूँ कोढ़ी। ये तुम्हारे शरीर में जो कुष्ठ रोग हो गया है ये बचपन से है या सियाना हो जाने के बाद हो गया है? ये आप क्या पूछ रहे हैं बाबा?
मेरे शरीर में कुष्ठ रोग बचपन से नहीं है बाबा। तो फिर कब से हो गया बाबा? जब मैं 9 में पढ़ रहे थे मेरे दिल में तमन्ना था पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त करूंगा तो फौजी बनूंगा। अच्छा देखिए बाबा मेरे दिल में कितना बड़ा तमन्ना था पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त करूंगा तो फौजी बनूंगा। अच्छा लेकिन दारू शराब के चक्कर में फौजी के जगह भौजी बन गया। लेकिन वो कैसे बाबा? इसका मतलब यही हुआ कि मेरा घर हिमाचलपुर सर पर। अच्छा और मेरे पिताजी का नाम राजा हिमाचल सिंह थे। हम दो भाई थे बड़े भैया का नाम नील और मेरा नाम कमल है बाबा। बड़े भैया का काम था नित प्रतिदिन पिताजी का सेवा करना और मेरा काम था पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीना और मुन्नी भाई की कोठी पर जाना। लेकिन यह बात भैया और पिताजी को मालूम हो गया कि कमल राज पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीता है वो लोग धीरे धीरे पैसे देने से इनकार हो गया बाबा। बस एक दिन गुस्से में गए पिताजी के पास पैसे मांगने के लिए। पिताजी ने पैसे नहीं दिया आवेश में आकर एक हाथों से पिताजी का कालर और उसी पिताजी ने मुझे शराब दे दिया। कमल जिन हाथों से पिताजी का कालर पकड़े हो आज मैं तुम्हें शराब देता हूँ उन शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा उन हाथों में कुष्ठ रोग हो जाएगा। आज पिताजी के शराब से मेरे शरीर में यंग यंग में कोर फूट गया है बाबा। देखिए मेरे पास कितना बड़ा वक्त था पिताजी के कालर छोड़कर पकड़कर माफी मांग लेना चाहिए था लेकिन माफी मांगने के जगह दूसरे हाथों से हत्या कर दिया और इस हत्या के जुर्म में मैं अपने राम जैसे भाई को फंसा दिए माल से 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिए बाबा। करना चाहिए था लेकिन जो भी किए दारू शराब के लालच में किए दूसरे के बातों पर किए। आज मुझे यकीन हो रहा है भाई और भाभी माता और पिता ये सब भगवान के स्वरूप। मुझे ऐसा गलती नहीं करना चाहिए था भाई और पिताजी के साथ। आज भाई और पिताजी के शराब से मेरे यंग यंग में कोर फूट गया है लेकिन फिर भी जिंदा हूँ। इसलिए जिंदा हूँ अब मेरे भैया का 14 वर्ष खत्म हो गए हैं। मैं चौक चौराहे पर दर दर की ठोकर खा रहा हूँ किस रास्ते से मेरा बड़ा भैया नील गुजरेगा ताकि भाई के सामने गलती का प्रायश्चित कर लूं। भैया पिताजी का हत्यारा आप नहीं बल्कि पिताजी का हत्यारा मैं हूँ। हो सके इसी जन्म में मुझे कोर शरीर से मुक्त मिल जाएगा। जैसा काम किया हूँ एक जन्म किया 7 जन्म मुझे कोर शरीर से मुक्त नहीं मिलेगा बाबा। क्या गोधी अगर तुम्हारा भाई इस रास्ते होकर गुजरेंगे तो तुम अपने भाई को पहचान कर लोगे। आप क्या पूछ रहे हैं बाबा? अभी तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है भविष्य काल में मेरा दोनों नेत्र भी बंद हो जाए अगर इस रास्ते से मेरा बड़ा भैया नील गुजरेगा मैं अपने भाई की पैरों की आहट की आवाज सुनकर पहचान लूंगा। इस रास्ते से मेरा बड़ा भैया नील गुजर रहे जब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है तो क्या नहीं पहचानूंगा बाबा। मुझे तो ऐसा लगता है भाई अभी तक तुम्हारे आंखों के आगे संपत्ति का छाला पड़ा हुआ है। नहीं बाबा अभी से कुछ देर पहले मेरे आंखों के सामने संपत्ति के छाले थे लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया बाबा। ईश्वर ये मैं क्या सुन रहा हूं ये तो मेरा भाई ठहर गया। आ रे हिमा
मथुरो भाई मथुरो Yeah.